धरती ना छेड़ा घर है। सच में बापूजी, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ लेकिन घर है घर। अपने घर में जो शांति मिलती है ऐसी शांति और कहीं नहीं मिलती। लीजिए बापूजी। एक मिनट, ये पानी कहाँ से लाई तू? जग में से। अरे वो पानी तो ताजा है, अंजलि भाभी ने आज सबके घर में ताजा पानी भर के रखा है। आहा, जेठिया हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। कितने अच्छे पड़ोसी है हमारे। ले तुझे पीने। नहीं दादाजी, थैंक यू। दुनिया में कहीं भी चले जाओ लेकिन संतोष तो घर का पानी पीने में ही मिलता है। और अपने बेड पर अपनी चादर ओढ़ के जो नींद मिलती है वो किसी भी होटल में नहीं मिलती। दादाजी चलिए ना, बहुत नींद आ रही है। हाँ बेटा, सुबह जल्दी उठ के सबको गिफ्ट देनी है, फोटो दिखाने हैं और डिज्नीलैंड की बहुत सारी बातें करनी है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। टप्पू के पापा, हांगकांग का प्रवास अच्छा हुआ नहीं? सब हेम खेम पार उतर गया। एकदम हेम खेम। दया जरा फोन लगा तो। किसे? उनको जिनको आगाही का अंदेशा होता है। आगाही का अंदेशा तो मैं को होता है। हाँ तो उन्हीं को फोन लगाने की बात कर रहा हूँ। फोन लगा। पर अभी आपको कौन सी आगाही के बारे में जानना है? और वैसे भी माँ को सामने से फान करके पूछेंगे ना तो वो कोई भी आगाही के बारे में नहीं बताती। अरे भाई मुझे किसी आगाही के बारे में नहीं जानना है, लेकिन उनको जिस आगाही का गलत अंदेशा हुआ था उसके बारे में मुझे खुलासा करना है। फोन लगा। अरे कौन सी आगाही, कौन सा गलत अंदेशा? क्यों, उन्होंने नहीं कहा था हांगकांग में कोई खो जाने वाला है? तो हम तो हांगकांग घूम के भी वापस आ गए लेकिन कोई खोया तो नहीं। तो बता, फोन लगा के उनको बता कि आपकी आगाही गलत साबित हुई है। बता बता, लगा फोन? लगा ही नहीं, लग गया। ग्रुप लीडर ने अपना काम बखूबी निभाया है। कैसी हो? हम सब मजे में है। हाँ माँ, वो हम सब लोग हांगकांग डिज्नीलैंड से सही सलामत वापस आ गए हैं। कोई खोया नहीं, वो बता। हाँ माँ, वो तुम्हें लग रहा था ना कि हम में से कोई हांगकांग डिज्नीलैंड में खो जाएगा, तो वैसा कुछ हुआ नहीं है, तो तुम चिंता मत करना। क्या? खराब ना हो ऐसा क्यों बोली अभी तो? अरे मेरे नाम में भी आपका नाम तो है ही ना। दया टप्पू के पापा गड़ा, गड़ा टप्पू के पापा दया। कहीं से भी देखो आपका नाम तो बीच में ही है। अरे आप है ना दवाई आके वाह है। वाह, समझाती हूँ। देखिए दवाई की दुकान के बाहर बोर्ड होता है ना, उसमें लिखा होता है चौकड़ी में दवाइयाँ दवाइयाँ, तो ऐसे कहीं से भी देखेंगे बीच में तो वाह आएगा ही। वैसे आप दवाइयाँ के वाह है। क्या? तो कुल मिलाकर हांगकांग
डिज्नीलैंड में आपसे कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए माँ ने झूठ बोला था। समझे मेरे गड़बड़ कुमार? गड़बड़ कुमार, माँ ने नया नाम रखा मेरा। अरे आपकी और माँ के ख्याल कितने मिलते हैं? टप्पू के पापा आपने जलेबी तो ली ही नहीं। ये जलेबी देख के मुझे कुछ याद आ गया। क्या? हांगकांग डिज्नीलैंड की वो भूल भुलैया ऐसी थी ना? अरे हाँ। इधर है रास्ता, दिख रहा है लेकिन पहुंच नहीं सकते। इधर कैसे जाने का है? टप्पू के पापा मैं आपके पास आ गई। तू मेरे पास आ गई लेकिन अभी बाहर कहाँ से निकले? सच में मजा आ गया था माता। अरे मजा आ गया था एक सेकंड के लिए, मैं तो सच में डर गया था कि इसमें से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा कि नहीं। और उसमें भी कितना मजा आ गया था। नहीं किसमें? किसमें? अरे वो उसमें वो वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी दया, ये हांगकांग डिज्नीलैंड में सबके लिए कुछ ना कुछ है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों के लिए सबको मजा है। ऐसा सच कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा किसमें मजा है पता है? सच्ची हॉलीवुड होटल के स्विमिंग पूल में हम लोग ने कितना मजा किया था ना यार। एक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। कौन सा? डिज्नी होटल के एन्चेंटेड गार्डन में सभी डिज्नी कैरेक्टर्स को मिलने का, मिकी माउस, गूफी, प्लूटो सभी को मिलने का। काशम वो सब कैरेक्टर्स गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आ सकते हैं। सच्ची और पता है फ्रेंड्स, मैं कौन सा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी? कौन सा? कौन सा? कौन सा? बीबीटी बॉबीटी बुटीक का। फैंटास्टिक आइसक्रीम। कोमल, ये आइसक्रीम खाते हुए मुझे वो हांगकांग में हमने मिक्की वाली आइसक्रीम खाई थी ना, उसकी बहुत याद आ रही है। वाव, वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम इन हांगकांग। हंस राइड्स भी कितने मजेदार थे ना। रोशन, सुना रोशन, मैनू लगता है हमें टप्पू सेना को एक जम के पार्टी देनी पड़ेगी। देखा, उनकी वजह से हमें हांगकांग डिज्नीलैंड में रोमांस करने का मौका मिला। सुन रोशन, सुना रोशन, आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6 अनलिमिटेड। और तुम्हें वो अपना वॉक याद है कि नहीं, विंटेज कार के पास वाला? Oh. लंबी कार। पूरी मुट्ठी होती ना ती। रोमांटिक पड़ो तो ना अपन थोड़ा सा। शांति रखो, शांति रखो। माधवी, माधवी इकडे लक्ष दे, शांति रखो, शांति रखो। हाँ,
चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाँ बैठ जाओ प्रोग्राम शुरू करते हैं। जेठालाल शुरू करो। नहीं नहीं अरे भाई क्या शुरू करो, मैंने कल भी कहा था जिसका काम उसी को साजे, इसलिए भाई अब मैं ग्रुप लीडर नहीं हूँ, आप ग्रुप लीडर है, आज के जो प्रोग्राम है उसको आप ही संबोधन कीजिए, आइए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी कुछ कहना चाहता हूँ। भिड़े भिड़े फोटो आज ही देखेंगे ना। पोपटलाल जरा शांति रखो, सबर रखो भाई, कितने दिनों के बाद हम लोग इकट्ठा हुए हैं भाई, जरा बोलने दो। इसलिए बोलने का ज्यादा मन हो रहा है। बोलो तो हमारी हांगकांग की डिज्नीलैंड यात्रा बहुत ही सुखमय और आनंदमय रही, और जो लोग हांगकांग डिज्नीलैंड नहीं आ पाए उनके लिए आज खास स्लाइड शो का आयोजन किया गया जिसमें उनको पता चलेगा कि हम लोग की यात्रा कैसी रही। टपू जरा शुरू करो। हाँ थोड़ी जरा लाइट बंद करना। ये देख अभी डिज्नीलैंड के अंदर नहीं गया, ये बाहर का ही है। अच्छा गेट के बाहर। पर जेठालाल ये फोटो देख के दिमाग में क्या बात आ रही मालूम है? क्या क्या? राम मिलाई जोड़ी, एक गड़ा एक छोड़ी। ओ ग्रुप फोटो, क्या बात है मालूम है? ये सुंदर जब बूढ़ा होगा तभी ऐसा दिखेगा। अरे दया भाभी कितनी अच्छी टोपी पहनी है आपने मिकी की। बहन टोपी पहनती है भाई टोपी पहनाता है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। ये हम लोग बुद्ध भगवान के मंदिर में गए थे ना, वहाँ का फोटो है। ओ यारो ये स्पेस ट्रेजर साइट में एकदम छक्कर बनाया था। इधर आपका बहुत याद किया, वो सायन का कुछ था सब, बहुत मजेदार था। थैंक यू जनरल। सायन का नहीं, साइंस का। हां सॉरी, हां वही। पिंकू ये डिज्नीलैंड के एंट्रेंस पर ही है, पूरे फ्लावर्स से मिकी माउस का फेस बनाया था। वो पीछे वो ये हॉलीवुड होटल देखो लिखा है, वो अक्सर बहुत बड़े बड़े थे। हां उधर आपने फोटो खींचा था ना। पिंकू ये परेड बहुत बड़ी है और इसमें डिज्नी के सारे कैरेक्टर्स आते हैं। मिकी माउस, मिनी माउस, गूफी, सर, सारे सारे, बहुत बहुत मस्त। सुबह क्या डिज्नीलैंड के गेट खुलते हैं ना, तभी वो वहाँ जितने भी वो फैमिली हाजिर होते हैं उसमें से वो लोग को एक फैमिली को ऐसे चुनते हैं और उनके हाथ में डिज्नीलैंड की चाबी थमाते हैं और उनके हाथों में डिज्नीलैंड के दरवाजे खोलते हैं। और ये सौभाग्य बापू जी के आशीर्वाद से मुझे दया को, बापू जी को, टप्पू को मिला। वहाँ पे एक विंटेज कार थी हमारे जमाने वाली, पता की कितने की है। ये भूल भुलैया थी। ये इधर आपको बहुत याद किया, वो मैं खड़ा उधर आप होते ना, आप आए होते तो। ये ना वो वहाँ का वो हांगकांग का हार्बर पॉइंट है। हार्बर पॉइंट, हार्बर नहीं, हार्बर, हार्बर पॉइंट। ये वहाँ पर हमने गरबा किया और वहाँ के लोगों ने भी हमारे साथ गरबा किया। यानी कि दया भाभी एक बात तय हो गई कि किसी भी देश की कितनी भी दूरी है पर आप लोगों का गरबा करना बहुत जरूरी है। ये वो हम लोग बुद्ध भगवान का जो मंदिर था
वो टेकरी के ऊपर, तो उसमें उड़न खटोले में बैठ के जाना पड़ता है। केबल का राइड, केबल का राइड। ग्रुप लीडर जेठालाल, चाचा जी, बिड़े भाई, आप लोगों ने ये जो स्लाइड शो करके बहुत अच्छा काम किया। सचमुच ये स्लाइड्स देख रहे थे तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग डिज्नीलैंड नहीं गए। हमें ऐसा महसूस हो रहा था देखते वक्त कि हम लोग वहीं हैं। बेटा साहब, हम लोग वहीं थे। कैसे? हम लोग आपको अपने दिल में बिठा के वहाँ साथ में ले गए थे। एक बात तो है, हाँ, फोटो में डिज्नीलैंड इतना सुंदर दिखता है तो रियल में कितना सुंदर दिखता होगा। चलो चलो चलो, अभी ये प्रोग्राम तो अभी हो गया है, अभी सबको काम पे भी जाना है, तो वो गिफ्ट देने का प्रोग्राम शुरू करे। ये जरा रखिए ना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर है। इसमें ये ऐसे हार्ट का शेप भी बनाया है। पोपटलाल भाई, ये मिनी जैसे मिकी का इंतजार कर रही है ना, आई एम श्योर आपका भी कोई इंतजार कर रही होगी। और गणपति बाबा की कृपा से आपका इंतजार जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे वाह, ये चीनी तो मेरी फेवरेट है। चीनी नहीं बावरी जी, ये चीनी नहीं मिनी है। अरे बागा, उसे क्या समझा रहा है, उसके लिए चीनी मिनी सब बराबर ही है। थैंक यू सेठ जी, टी शर्ट बहुत मस्त है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हरा रंग मुझे बहुत पसंद है? वो क्या है बागा, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो आदमी प्यार में होता है ना, उसका दिल लीला छम हो जाता है। लीला छम? हरा हम, हाँ, इसलिए उसको कि हरा रंग बहुत पसंद होता है। सेठ जी, उन्हें सीरियस जोन, आपने हमें हांगकांग में याद किया, हमारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाए। सेठ जी, सेठ जी, थैंक यू, हम आपके बहुत आभारी हैं। अरे नटू काका, ये तो हांगकांग जाने का इनाम बच्चों को लगा था, अगर मुझे लगा होता तो मैं आप सबको हांगकांग ले जाता। बस बस सेठ जी, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। बस बस, मेरा नाम मत लेना, तुम्हारे लिए गिफ्ट की पसंद की इसने की है, तो थैंक यू बोलना होता इसको बोल। थैंक यू माया भाभी। अच्छा सुनिए, देखिए, मैं आत्मारम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग इस तरह हंसते खेलते रहे, मजे करते रहे और घूमते रहे। और अगली बार से ग्रुप लीडर आप ही बनते रहे। और ऐसी ही एक विदेश यात्रा जल्द से जल्द हम सब की साथ में हो। राइट, जिसमें किसी के भी फ्लाइट मिस न हो। खास कर मेरे। अरे भाई, आप ही की बात कर रहा था। अरे भाई, अभी चलो वरना मेरा ऑफिस मिस हो जाएगा। चलो मेरे ऑफिस जाना, अभी दुकान जाना, नटू का बागा, आप लोग दुकान पहुंचे, मैं भी आता हूँ। चलो कहते हैं ना, जिसका अंत भला उसका सब भला। डिज्नीलैंड का जो ये सफर हंगामे और मस्ती के साथ प्रारंभ हुआ था, उसी हंगामे और मस्ती के साथ ये सफर फिर से गोकुलधाम तक आ पहुंचा है। भाई, यही तो गोकुलधाम की विशेषता है, यहाँ पे मस्ती, हंगामे, हंसी, खुशी इसी तरह बरकरार रहेंगे और यहाँ पे ये धमाल होता रहेगा और आपके घरों में आपके हंसी के मारे पेट में बल पड़ते रहेंगे। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो आप देखते भी हैं, हंसते भी, तो बस इसी तरह देखते रहिए, हंसते रहिए और इंतजार कीजिए एक नए हंगामे का मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.